हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके क्लासेस में। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए जैसा कि आप मेरा गूगल फॉर्म में मैंने भरवाया था, तो उसमें जितने भी लोगों का डाटा आया उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया है कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और आपके कितने नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं अगर आप किसी शिफ्ट में जिस भी शिफ्ट में हैं आप। और ये जो डाटा है वो 4 अगस्त की शिफ्ट के बाद का ही डाटा है, जो पहले हो चुका था आपका अप्रैल में पेपर, उसका डाटा नहीं मिला है मुझको, तो उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है इसमें, उसको एक्सक्लूड ही रखा है मैंने। तो इसके अलावा भी तो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं वो सेम ही चली हैं, क्योंकि पेपर जो है वो पेपर का मोड जो बना था पहले उसी मोड पर पेपर चला है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा शिफ्ट वाइज। तो इसमें हम बताएंगे आपको, देखिए यहाँ लिखा है मैंने यूआर के अगर 130 नंबर रो मार्क्स है आपका, तो आप 100% TR2 के लिए लग जाइए, TR2 के लिए आप लग जाइए, TR2 में 100% आपको बैठने को मौका मिलेगा, ठीक है, TR2 में आपको बैठने का मौका मिलेगा। इसके अलावा पहले हॉरिजेंटल कैटेगरी की कट ऑफ कोई नहीं प्रोडक्ट करता था, तो मैंने इस बार हॉरिजेंटल कैटेगरी को भी इसमें शामिल किया है, और क्योंकि सबको साथ लेके चलना ही चाहिए, और इसके हिसाब से ही मैंने इनके इनको भी ध्यान में रखते हुए कट ऑफ बनाया है, क्योंकि इनको भी कट ऑफ का पता चलना चाहिए कि इनका कट ऑफ कितना जाएगा। इसके अलावा OBC SC EWS ST इनका भी कट ऑफ बनाया है, इस ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, जैसा मेरा मन करा मैंने वैसे लिखा है, ठीक है। इस पर आप लोग सामने वाले की कैटेगरी को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ UR मैंने इसलिए लिखा क्योंकि UR ही एक बेस होता है जिससे सबकी कट ऑफ पता लगाई जा सकती है, ठीक है। UR एक बेस पॉइंट होता है जिससे हम सबकी कट ऑफ पता कर सकते हैं। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, hiwasia.08, उसका आप लिंक है, तो आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और हम थोड़ा सा डाटा देखेंगे, उसके बाद आपको डायरेक्ट कट ऑफ बता देंगे, और 99% आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, जो पार्टिसिपेट स्टूडेंट ने किया था, पार्टिसिपेशन किया था मेरे डाटा एनालिसिस में, वो 680 स्टूडेंट ने मुझे पूरा डाटा दिया है। और इसके अलावा ये 680 लोग हैं, शिफ्ट वाइज अलग अलग लोग हैं, मतलब हर शिफ्ट में अलग अलग लोग हैं, तो उसके हिसाब से इसके अलावा एक डाटा मुझे और कहीं से डायरेक्ट मिला है, तो उसको डाटा को हमने जोड़ा नहीं, उसमें डाटा में जो थे 1230 स्टूडेंट थे, तो इस हिसाब से हमारे 1910 स्टूडेंट कंप्लीट हो गए थे, लेकिन हमने इसको हटा दिया क्योंकि मुझे लगा ये फेक ना हो, तो इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया, लेकिन उससे बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिल गई कि क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अगर टेंटेटिव वैकेंसी की बात करूँ तो 4893 है, ये इंक्रीज होगी, आपकी TR2 का पेपर होगा उसके बाद इंक्रीज हो जाएगी 100-150। इसके बाद कितने स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा, देखिए अगर पिछले साल के 2 साल का अगर रिकॉर्ड देखें, 2 साल का डाटा देखें, तो 2018 45,000 प्लस स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया था, और 2019 की बात करूँ तो 44,000 स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया था। वैकेंसी पहले 5,858 थी, फिर 6,200 थी, कुछ ऐसी वैकेंसी थी, तो उस बेस पे किया गया था, तो यहाँ भी आप मान के चलना कि 43,000 के आसपास स्टूडेंट को क्वालिफाई कर दिया जाएगा 100%, मतलब इसी के आसपास रहेगा, 43-44 के आसपास ही आपके स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा TR2 के लिए। किसके लिए? TR2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अब आपका जैसे आंसर की आपकी आ चुकी है, इसके बाद आपका TR1 का रिजल्ट आना है, तो आपका TR1 का रिजल्ट मान के चलिए अभी आपका 1.5 महीने मान के चलिए, 1.5 मंथ आप मान के चलिए कि आपका उसमें रिजल्ट आ जाएगा 100%, ठीक है। और उसके बाद आपको 1 मंथ मिलेगा आपके TR2 के लिए, तो आप अभी से लग जाइए। आप मेरे चैनल पर जाकर निबंध की देख सकते हैं, बहुत मैंने निबंध डाल रखे हैं, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, और रिपीटेड निबंध आ जाते हैं कभी कभी, बाढ़ हो गया जैसे, आप पूरा हम आपको एक बार डिटेल दे देंगे किस टॉपिक पे आपको पढ़ना चाहिए और किन किन कितने कितने कुछ टॉपिक को कहाँ से कंप्लीट करना चाहिए जिससे आपका अच्छा नंबर आ जाए। देखो ये जो TR2 होता है ये बस नसीब का खेल है, क्योंकि एग्जामिनर कितना नंबर दे दे आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये सब देखेंगे बाद में, चलो पहले हम कट ऑफ पे देख लेते हैं। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने लोग प्लीज देख रहे हैं। मैं कुछ डाटा लेके आया हूँ, ये देखिए 4 अगस्त से डाटा लेके 12 अगस्त तक का डाटा है, और इसमें हमने शिफ्ट वाइज हमें जो एवरेज मिला है वो हमने लिया, और ऑल ओवर एवरेज पूरे तीनों शिफ्टों को मिलाकर हमने लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट में 124 है, और सेकंड में वही 131 हो गया, और अगर थर्ड की बात करूँ तो 133 हो गया। अब ये हुआ कैसे? अब ये हुआ ऐसे क्योंकि जो आपका रिव्यू होता है ना, अगर रिव्यू ना हुआ होता तो ये जो आपका नंबर देख रहे हैं आप यहाँ
सेकंड और फर्स्ट में ये इंक्रीज नहीं हुआ होता, ये इसी पे लाई करता है 124 125 तो कट ऑफ और नीचे गिर जाती। लेकिन हुआ क्या, आपका रिव्यू होता है, रिव्यू से क्या होता है आपको टाइप पता चल जाता है, आपको पैटर्न पता चल जाता है कि आपका किस पैटर्न पे पेपर चल रहा है शिफ्ट का, उसी पैटर्न को वो फॉलो करेगा पूरी शिफ्ट में, और उससे क्या हो जाता है कहीं ना कहीं 100% दो चार नंबर का तो अंतर आ ही जाता है जब आपको इतना आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनका देखिए इतना नंबर बढ़ गया है। यहाँ देखिए हाइयर जो टफ शिफ्ट है वो आपकी 5 अगस्त की सॉरी फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें 109 नंबर, बहुत ही कम मतलब कह सकते हैं नंबर है। और सेकंड देखिए 130, मतलब कितने का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ देखिए आप ध्यान से देखें 21 का डिफरेंस हो रहा है, तो मतलब यहाँ इनके नंबर बहुत इंक्रीज होने वाले हैं। और थर्ड शिफ्ट देखिए 134, मतलब यहाँ मतलब मान के चलिए 24 का हो गया आपका, 9 5 14 मतलब देखिए 25 का हो गया, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एवरेज की बात करूँ 124, अगर वहीं 6 तारीख की बात करूँ तो 130, 127 सेकंड में, 131 आपका थर्ड शिफ्ट में, एवरेज की बात करूँ 129 समथिंग, और अगर सेवन्थ की बात करूँ तो 129 प्री, 134 सॉरी फर्स्ट शिफ्ट, 134 आपका सेकंड, 130 मतलब देख रहे हो थर्ड शिफ्ट में आपका नंबर बढ़ रहा है, सेकंड शिफ्ट में नंबर बढ़ रहा है फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा। ये सब आपका रिव्यू, जो रिव्यू है आप लोग डाटा शेयर करते हैं, आप लोग अपने पैर में खुद कलाड़ी मारते हैं, क्योंकि अगर आप डाटा शेयर करेंगे तो देखिए आपके स्टूडेंट क्या कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, ज्यादा नंबर लाएंगे और आपको बीट कर जाएंगे। तो ये रिव्यू बहुत अच्छा हुआ कि एसएससी ने इस पर रोक लगा दी है। और देखिए यहाँ पे 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में 124, 132, 136 ऑल ओवर इतना, तो आप देख सकते हैं देखो सबसे टफेस्ट शिफ्ट आपकी फर्स्ट शिफ्ट है 5 अगस्त की, इसके अलावा का सबसे लोएस्ट शिफ्ट वाली जिसमें 139 9 तारीख में, 9th शिफ्ट में 9th की थर्ड शिफ्ट आपकी 139 है, ये सबसे आपकी कह सकते हैं इजी शिफ्ट थी, ये इजी शिफ्ट थी, ये हार्डेस्ट शिफ्ट है, ये हार्ड शिफ्ट है, ये आपकी सबसे इजी शिफ्ट है। हो सकता है आपका जो आपके अप्रैल में पेपर हुए थे 12 13 14 15 16 17 19 20 19 तक में, तो हो सकता है उसमें भी कुछ हो, लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि ज्यादा डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिल रहा है। 5 नंबर का हाइएस्ट डिफरेंस मुझे देखने को मिला है, यहाँ मान के चलिए यहाँ 9 नंबर का डिफरेंस हो गया, ये 9 नंबर का डिफरेंस ज्यादा मान लगा, क्योंकि 2019 की बात करूँ तो डिफरेंस बहुत ज्यादा लेवल पे था, पेपर बहुत वेरी कर रहे थे जिसके कारण कट ऑफ आपकी 160 के आसपास चली गई थी। और आप लोग कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है, धांधलेबाजी हो रही है, नहीं इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का कसूर है, क्योंकि रिव्यू कराते हैं हम तो रिव्यू से चीजें बहुत सी चली जाती है और कट ऑफ में नंबर इंक्रीज हो जाते हैं शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो फिर नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाता है और शिफ्ट का भी आपका लेवल अलग रहता है। तो इस बार शिफ्ट का लेवल जो है वो बहुत मॉडरेट रहा, ना किसी को ज्यादा कठिन मिला है, रीजनिंग ने सबको औखा दिखा दी है कि रीजनिंग भाई आप लोग पढ़ते नहीं थे तो देख लीजिए भाई मेरी भी कुछ वैल्यू है, तो उसने सबको दिखा दिया। ठीक, अब देखते हैं हम कुछ चीजें, यहाँ ये है 2018 का डाटा, 2018 में आपको देखिए यहाँ पर कैक के लिए अलग किया है डीओ में कैक के लिए, और यहाँ देखेंगे पीए एसए और एलडीसी और जीएसए के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ देखिए जनरली कट ऑफ, इसको छोड़ दीजिए, इसको ज्यादा ध्यान ना दीजिएगा क्योंकि इसको देखिएगा आप, 135 कट ऑफ गई थी, 110 एससी कट ऑफ गई थी, 99 एसटी, 133 ओबीसी, 127 ईडब्ल्यूएस, और यहाँ देखेंगे एक्स सर्विस की 56, 102 और 58, मतलब अब ये देखिए अगर कट ऑफ जो ना, अगर पेपर 18 का बहुत हार्ड था पेपर, ज्यादा इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे नंबर अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे थे, तो ये कट ऑफ कम चला गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, एन एवरेज स्टूडेंट्स कट ऑफ नंबर कर रहे थे, मतलब 18 20 मान के चलिए, इसमें जीएस को छोड़ दिया तो इतना अटेम्प्ट बच्चे कर रहे थे, तो इसलिए इसमें कट ऑफ 2018 के हिसाब से तो कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन हाँ 19 में चलें तो 19 में कट ऑफ का पेपर आपने देखा था कि कोई से बहुत इजी कोई से बहुत हार्ड, तो इससे क्या हुआ आपका नॉर्मलाइजेशन उल्टा सीधा हो गया, नॉर्मलाइजेशन अलग अलग हो गया तो ज्यादा डिफर कर गया, तो आपको कट ऑफ भी देख सकते हैं 169.52440 और आपका देखेंगे यहाँ पे अगर एक चीज बहुत अच्छी सुनने की बात ध्यान देंगे 44,856 और यहाँ देखेंगे आप 45,101 स्टूडेंट क्वालिफाई किए, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था स्टूडेंट क्वालिफाई में, क्योंकि देखो यहाँ भी कट ऑफ आप ध्यान से देखेंगे कट ऑफ उतनी ही है, कट ऑफ कम है और यहाँ भी यहाँ कट ऑफ ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई देखेंगे आप तो सेम टू सेम है, ज्यादा डिफरेंस मतलब 100% कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, शिफ्ट में वेरिएशन बहुत ज्यादा था इसलिए नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा लेवल पर हो गया था। अब 2020 की बात करूं, 2020 के लिए बात करूं, क्या यही फॉलो होगा, ये कट ऑफ फॉलो होगी, नहीं मैं नहीं कहूंगा ये कट ऑफ बिल्कुल फॉलो नहीं होने वाली है, रीजन बताता हूं, जो पेपर बनाया इस बार, पेपर बनाया एसएससी ने बहुत अच्छा काम किया, पूरा मॉडरेट पेपर है,
एक आध शब्द को छोड़ दीजिए, अदरवाइज पूरा पेपर मॉडरेट है और ना ज्यादा इजी है ना ज्यादा हार्ड है, मतलब एन एवरेज आप कर सकते हैं, 18-19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में तो आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। उससे पहले मैं चाहूंगा, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा जितने भी हमारे हॉरिजेंटल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको वादा करता हूँ कि हम जब भी किसी भी चीज की कट ऑफ बनाए, किसी भी आपका कट ऑफ बनाएंगे तो आपको जरूर इंक्लूड करेंगे उसमें। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा जिससे आपको कट ऑफ मिलती रहे और मैं आपको पूरा डिटेल देता रहूंगा। ठीक है, जितने भी हॉरिजेंटल वाले भी हैं और जो अदर कैटेगरी से भी आते हैं उनको भी। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे कट ऑफ की। देखिए, जो कट ऑफ बताऊंगा वो 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 99% मैं कह सकता हूँ कि कट ऑफ वही जाएगी। अभी आप देख लेना, आप एक और भी लोग नॉर्मलाइजेशन पे आप कल सोमवार को डालेंगे वीडियो, तो उनका भी देख लेना आप, तो आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। लगभग लगभग यही कट ऑफ रहेगी जो मैं बता रहा हूँ, उनका भी कट ऑफ यही रहेगा, लेकिन एक बार मेरा कट ऑफ देख लीजिए फिर उनका कट ऑफ आप देख लेना बाद में। ठीक है, मंडे को आएगा उनका। सबसे पहले हम यूआर का कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यूआर की अगर बात करूं तो यूआर के स्टूडेंट्स हैं, हम ये बता रहे हैं रो स्कोर से नहीं बता रहे हैं, हम केवल नंबर बता रहे हैं। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट हार्ड है जैसा मैंने दिखाया, तो उसमें आपको लगता है कितने नंबर बढ़ेंगे, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप मान के चलिए 147 जिसके नंबर प्लस हैं उनका सिलेक्शन होगा, 147 के पे के प्लस हैं जिनके नंबर हैं वो मान के चलिएगा उनका सिलेक्शन होगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइज स्कोर पे हम बता रहे हैं, रो स्कोर पे नहीं बता रहे हैं, ये हम नॉर्मलाइज स्कोर पर बता रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि एन एवरेज 130 गया, हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर बहुत से बात बढ़ेगा 19 नंबर बढ़ेगा, हम एवरेज देखें तो 149 हो रहा है, तो क्योंकि 7-8-15 नंबर तो एन एवरेज एक्स्ट्रा ऊपर रहते ही है नंबर फाइनल कट ऑफ से, प्री की कट ऑफ से। तो इस हिसाब से मैं देख इस बात को हमने ध्यान में रखते हुए तो कट ऑफ को मेरा 151 कट ऑफ निकल रहा था, लेकिन मैंने इसमें 4 नंबर कट ऑफ कम कर दिया, लेकिन 147 कट ऑफ हमारी 100% जाने की चांसेस, पूरे पूरे 99% जाने की चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो देखो, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ का मैं अगर बात करूं तो इनका कट ऑफ ओबीसी से कम ही जाएगा, और इनका जो कट ऑफ जाएगा वो बन जाएगा 140 के आसपास, 140 प्लस जाएगा, ये प्लस है माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, अगर बात करूं ओबीसी की, ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी को चाहिए होंगे 144 प्लस, और अगर बात करूं एसटी की तो एसटी को चाहिए होंगे आपके, एसटी को 121 नंबर चाहिए होंगे, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात करूं एससी का तो एससी वाले भैया को चाहिए होंगे 128, इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इतने ये हम आपको नॉर्मलाइज स्कोर पर बता रहे हैं, ये आप सुनिए, क्योंकि मैंने एससी और एसटी में जितना भी मेरे पास डाटा आता है, एक स्टूडेंट को छोड़ दीजिए उसके अलावा किसी भी स्टूडेंट के 100 प्लस नहीं थे नंबर, किसी भी स्टूडेंट के एससी एसटी में 100 प्लस नहीं थे, किसी का 96 था, किसी का 98 था, एक स्टूडेंट था 132 नंबर थे जिसके, इसके अलावा सब स्टूडेंट के आपके 100 से बिलो ऑफ 100 थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कट ऑफ इनका ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे पास डाटा कम था, तो इस हिसाब से मैंने ध्यान से देखा कि हो सकता है स्टूडेंट और ज्यादा हो और नॉर्मलाइज स्कोर में इनका बढ़ेगा, तो इससे 121 के आसपास इनका कट ऑफ और इनका एसटी का कट ऑफ इतना चला जाएगा। ठीक है, अगर बात करूं अब यहाँ पे हम हॉरिजेंटल कैटेगरी की, हॉरिजेंटल कैटेगरी में सबसे पहले ईएसएम देख लेते हैं, एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन वाले को कहूंगा मैं, अगर आपके 79 प्लस नंबर हैं बन रहे हैं, आपको लगता है नॉर्मलाइज में इतना हो जाएगा, तो आप टीयर टू की तैयारी चालू कर दीजिए। इसके बाद करूं ओएच कैंडिडेट की, देखो पिछली बार आपका 102 गया था 2018 में, 124 गया आपका 2019 में, इस बार जाएगा 109, कितना जाएगा 109 प्लस आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर बात करूं वीएच की, तो वीएच की बात करूं तो इनका जो कट ऑफ जाएगा वो 117 से प्लस ही जाएगा, और अगर बात करूं एचएच की तो एचएच का जो कट ऑफ होगा 75 प्लस होगा। एक कट ऑफ और रहेगी पीडब्ल्यूडी, इनका डाटा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तब भी हम इस हिसाब से रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो इनका 65 प्लस जिसके भी नंबर होंगे उनका सिलेक्शन 100% होगा। ये हमारा कट ऑफ का एनालिसिस है, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि जिस डाटा था उस बेस पे मैंने देखे बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाई हैं। तो आप हो सकता है आपको कट ऑफ हमारी अच्छी ना लगे, लेकिन कट ऑफ अच्छी लगने से नहीं, जो फैक्ट है उस पर बात करनी चाहिए, और कट ऑफ इतना ही जाने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे हम देख लेते हैं, आप ध्यान से देखेंगे एससी का एसटी का 127 है और एससी का 136, और मैंने कितना बताया ध्यान से देखेंगे आप, मैंने एससी का बताया है 128 और एसटी का बताया है 121, देखिए ज्यादा डिफरेंस मैंने नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे तो इसलिए इनका कट ऑफ इतना ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं
और बाकी कट ऑफ SSC को निकालना है। मैंने जो कट ऑफ बताया मेरे हिसाब से मैंने कट ऑफ बहुत अच्छा बताया है, और जो डाटा के हिसाब से मैंने रिलेट करके जो बताया है और पहले भी कट ऑफ बताता रहा हूँ, 100% कट ऑफ मेरी मैच करती है। तो इस बार भी मैं आशा करता हूँ कि जो कट ऑफ बनी है वो आपको बिल्कुल संतुष्ट कर देगी कि अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, मतलब रो नंबर देख के आपको लगता है आपके 10-15 नंबर बढ़ जाएंगे, तो 100% आप तैयारी कर दीजिए टीएट 2 की। टीएट 2 की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, अगर आपको निबंध ऐसे पढ़ने हैं तो आप मेरे हिंदी में आपको पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं।